पहली पहली बर्फ है इसकी, तो हमने कहा चलो खूब इंजॉय कर ले पहली पहली बर्फ को। हमारे तो गांव में गिरती है तो हमने बचपन में देखा है। ये देखो यहाँ मम्मी पापा को देखो, ये भी मतलब पूरा बर्फ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ना सामने का नज़ारा कितना खूबसूरत है, बिल्कुल बर्फ का पहाड़ और ये मीडोज। थोड़ी बर्फ पिघल गई है क्योंकि मार्च का मह चल रहा है और 15 मार्च बीत चुके हैं। वैसे मार्च के मौसम में ऐसा होता नहीं है गुलमर्ग में, लेकिन अभी यहाँ पर है। सो गाइज, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो पिछले ब्लॉग में आपने कहा मैं लेके आया था आपको श्रीनगर से गुलमर्ग, और इस ब्लॉग में मैं आपको विजिट करा रहा हूँ पूरा गुलमर्ग। यहाँ से सनराइज ऊपर से आपको दिख रहा होगा सनराइज, और मेरे पीछे का नज़ारा आप देखो क्या खूबसूरत है। मौसम काफ़ी ठंडा है फिलहाल, लेकिन अभी काफ़ी एक्साइटेड हैं यहाँ जाके कौन कौन सी एक्टिविटी हमको मिलेगी। 1 किलोमीटर हम लोग और आगे जाएंगे यहाँ से पैदल पैदल, और अगर हमको गुंडोला मिलता है तो हम ऊपर जाएंगे गुंडोला से, तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इधर पूरा मार्केट है, फूड मार्केट पास में, तो यहाँ आपको बोलेंगे स्नो शूज वगैरह लेने के लिए। अगर आपको जरूरत होगी तो ले लेना, मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे मालूम मेरा इनसे काम चल जाएगा। कैसा लग रहा है? पहली बार बर्फ़ देख के? अभी छुआ नहीं तुमने बर्फ़ को ना? ऊपर जाके छू गई जो यहाँ पर बर्फ। अरे आराम से वो गए थे यहाँ बर्फ़ दे, तो बर्फ़ में पाँव टिका के रखने पड़ते हैं पगली। तुम्हें मालूम भाई ब्लैक आइस बोलते हैं इसको, आज एहसास हो गया ना। हाँ, तो जहाँ 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 पानी होता है वहाँ वहाँ पे बर्फ़ जम जाती है। ठीक है, जो उम्मीद थी जो टूट गई। एक्चुअली हम लोग को गुंडला का टिकट मिला नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन हम लोग तो कर रहे थे, उसमें साइड में कुछ हैंग हैंग प्रॉब्लम होता, और साथ में यहाँ पे तो घुसने भी नहीं दे रहे अंदर। बोलने के भैया 3 दिन पहले बुक होता, बाहर जाके देखो, बाहर जाके कोई ब्लैक में दे रहा था तो वो 2000 रुपये का एक दे रहा था, यानी 750 का एक टिकट है वो 2000 रुपये का मिल रहा है, यानी कि हमें 8000 खर्च करने पड़ेंगे 4 लोगों के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर जाके, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ भी देखना नहीं। अभी आगे जाते हैं यहाँ से घूमने के लिए, मस्त करके घूम के आएंगे पैदल पैदल। तो अभी तक चल रही थी फोटोग्राफी मस्त करके, मेरी फोटो कोई नहीं खींचता अच्छी, मैं सबकी अच्छी खींचता हूँ। यहाँ पे क्या फोटो खिंचाऊंगा, मुझे अच्छी नहीं की, मेरे को नहीं किया फोटो, मेरी फोटो कोई अच्छी नहीं खींच रहा है। मैं सबकी फोटो अच्छी से खींचा हूँ, हमने सबसे पहले फोटो खिंचवा ली, और यहाँ पर मेरे को खाली बना रहे हैं बेवकूफ लोग ऐसे ही। मम्मी पापा देखो पूरे मजे कर रहे हैं बर्फ में। ये मम्मी ने ना चश्मा सा पहन लिया, पापा को मार रही है, ये देखो ये फोटो, ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये सामने बिल्कुल ग्रीन कलर की जो छत है इसके नीचे आइस हॉकी होती है यहाँ पे, और उधर आपका लगा हुआ सोलर पैनल। तो गुंडोला का रास्ता जाता है उस वाले हिस्से से, यहाँ पर सामने से हिस्से से अंदर से अंदर चले जाता है, लेकिन हम लोग को वहाँ का मिला नहीं कुछ भी। और ये यहाँ से अगर आप जा सकते हो बाई वॉक, तो आप फेजन बाई वॉक भी जा सकते हो। यहाँ से करीब आपका 2-3 किलोमीटर आपको फेजन पड़ेगा यूँ बाई वॉक करते हुए। तो ये देखिए खूबसूरत कश्मीर और नज़ारा, कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहे वादियाँ कश्मीर की, वादियाँ कश्मीर की वादियाँ देख के मज़ा आ रहा है। निहारी का यहाँ देखो पहली बार बर्फ़ देख के मज़ा आ रहा है, हैं जिंदगी में पहली बार बर्फ़ देखी है निहारिका ने। अब मैंने तो बर्फ़ देखी है जितनी निहारिका है उसकी भी दुगनी है ना। मिट्टी है वो ब्लैक, मतलब क्या होता है निहारिका को मैंने ब्लैक, यहाँ ब्लैक आइस होती है, कि ब्लैक कहाँ दिखाई दी, वाइट वाइट। अरे नहीं, इसमें ब्लैक आइस मतलब जो दिखाई नहीं देती, हाँ कठोर बिल्कुल एकदम। तो हम लोग ऐसे पहले पहले आ रहे हैं, मम्मी पापा लोग भी, कि सबसे ज़्यादा शॉर्टकट वो सामने वाले पहाड़ जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ से देखो हम लोग आगे भैया साइड में है काफ़ी बर्फ। गुंडोला राइड ना मिलने की वजह से ना बड़ा दुख हो रहा है, और परसों में बहुत बार ट्राई कर रहा था लेकिन मिला नहीं। हम मुझे एक कपल मिला था, तो उनको हमें 4 स्लॉट चाहिए थे, उसमें 2 स्लॉट थे, तो उन्होंने वो 2 स्लॉट लिए,
जब बुक करा था चार स्लॉट मिले नहीं, सिर्फ दो ही स्लॉट मिले बस हो गया। तो ये बोले को पूरे बुकियाल में अब लोग, हम लोग सुबह मॉर्निंग में जल्दी आ गए थे तो इसलिए भीड़ कम थी। अब कुछ देर बाद आपको ये सब पूरे बुग्याल में ना, बुग्याल में तो क्या घास लैंड गुलमर्ग का अर्थ है फूलों का मैदान। यहाँ जैसे बर्फ़ पिघलेगी नई घास होगी और उसके साथ फूल। तो देखो ना, ये है पूरी जन्नत, हिंदुस्तान का सर कश्मीर। कितना खूबसूरत है यहाँ पे, वहाँ तक पूरी बर्फ ही बर्फ फैली है। पहले मेरे को लगा था कि हमको गोंडोला की राइड नहीं मिली तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, बर्फ देखने नहीं मिलेगी। तो जैसे ही मैं इस साइड आया, देखो मैं जैसे इस साइड आया तो यहाँ पूरी बर्फ ही बर्फ है। पूरा इंजॉय कर सकते हैं जितना इंजॉय करना है। अभी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटी और बची हुई हैं, धीरे धीरे ब्लॉग में पूरा आपको देखने मिलेगा। मम्मी पापा देखो कितने खुश हैं, अभी खूब मज़े ले रहे हैं बर्फ में। और यहाँ देखो निहारिका के, देखो पहली बार बर्फ देख के कैसा लग रहा है। हाँ, पहली बार निहारिका देख बर्फ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ये अभी ये हमारा निहारिका कहने बर्फ ये देखो ये बर्फ की लड़ाई निहारिका के साथ। तीनों सास ससुर और पति तीनों के लिए निहारिका को बर्फ से मार रहे हैं। पहली बर्फ है इसकी, तो हमने कहा चलो खूब इंजॉय कर ले पहली बर्फ को। हमारे तो गांव में गिरती है तो हमने बचपन देखा है। ये देखो यहाँ मम्मी पापा को देखो, ये भी मतलब पूरा बर्फ के साथ इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये कितने खुश हो रखे सब लोग, काफ़ी मतलब खूबसूरत नज़ारा है। ये देखो निहारिका मेरे पर बर्फ फेंक रही है। आके तो नाम लिख दिया, देखो नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी, वाइट रंग का है ना पूरा। पूरा ट्रैकिंग के कुर भी सिखा रहा हूँ साथ साथ में कि बर्फ में ट्रैकिंग कैसे करते हैं। मैं इनका गाइड बन के फंस गया, जूते वाले ही गीले हो गए। ये मेरे फॉलो नहीं करते ना रूल, मेरे रूल अगर फॉलो करेंगे तो इन लोग को मैं यहाँ फर्स्ट क्लास यहाँ आके ना ये फेफड़े सब साफ हो जाते हैं। इसको जितना शहर का पोल्यूशन है सब है बस ये। फर्स्ट टो, हील को प्रेस कीजिए, हील को प्रेस कीजिए जोर से यार हो गया बंद। अभी ये वाला अभी हील को प्रेस करना है ऐसे, ठीक है। खड़ी है ना कि शून्य बोर्ड के साथ टच होना चाहिए, ठीक है मैम। अपर बॉडी का सारा वेट आपको आगे रखना है, वेट पीछे नहीं देना, थोड़ा झुक जाओ ऐसे। हाँ डंडी को यहाँ से हल्का हल्का पुश करना है, वॉश नहीं करना है। जब आप यहाँ से पुश करोगे स्लाइडर के खुद चलेगा, ठीक है मैम। जब थोड़ा सा तेज चलने लगेगा फिर रखना है ऐसे डंडी को बगल में, यहाँ पे रखना है। हाँ जब भी तेज चलने लगेगा, अगर आपको लेफ्ट ही जाना है वहाँ पे आपको राइट वाली डंडी से पुश करना है, राइट जाना है तो लेफ्ट वाला से पुश करना है, ठीक है मैम। स्लो चलेगी तब सही पुश करना, पॉजिटिव वाली तेज चल रही है तब थोड़ा सा पर मे बी आगे से ऐसे ही वाइड होंगे ऐसे वेट आगे रखना है सिंपल, ठीक है ना। यहाँ से हाथ नहीं हटाना है, बेंड फॉरवर्ड या इधर से हटाना नहीं है हाथ, नजर आगे रखो, नजर बोर्ड पे नहीं रखना है, लुक फॉरवर्ड
वेट पीछे नहीं डालना है, वेट सिंपली आपको आगे रखना है सर। वेट पीछे जाएगा आपको गिरने का चांस रहेगा, वेट आगे रखोगे गिरने का चांस ही नहीं है। थोड़ा आप हो जाओ, बैठो, बैठने वाला पोजीशन मत बना, खड़ा हो जाओ, आप हो जाओ, आप हो जाओ, यस। जैसे खड़ा हो जाते हैं ना नॉर्मल, वैसे ही आपको भी खड़ा रहना, ये खुद चलेगा। करके आया मेरे को काफी मजा नहीं आ रहा, तुमको कैसा लगा? कैसा लगा हमको देखते हुए, हमको स्कैन करते हुए तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैंने तो देखा नहीं, पापा दूर थे ना, आए थे आप, पापा आए थे देखने, तभी तो कहा इन्होंने घर से आगे कर रहे। हां तो ये था आपने एडवर्टाइज, तो मतलब यहां पे भी आप बार्गेनिंग करके 15 मिनट से स्कैन कर सकते हो, कुछ आपको आधा घंटा लग गया, लेकिन बहुत बहुत टफ काम है, हाथ पाँव पर दर्द होने लग गया। तो साथ साथ में आप ऐसे ये जो एक राइड है ये भी कर सकते हो, एक आरटीपी व्हीकल है, आप उस आरटीपी व्हीकल में भी जा सकते हो। तो ये था पूरा गुलमर्ग, होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय देवमी, जय उत्तर।